नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो बनी नई संख्या भी इससे विभाजित होगी, मतलब किससे विभाजित होगी ये कुछ। देखिए मैं मान लेता हूं वो संख्या यहाँ पे है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 6 डिजिट की है, 6 अंकों की है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, 33 से भाग हो रही है, 33 के अगर मैं फैक्टर बनाऊ कितने बनेंगे, 3 और 11, मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी भाग होती है और 11 से भी। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ 54। अब अगर मैं 54 के फैक्टर निकालू कि ये 54 किस किस से भाग होता है, तो ये 3 से भी भाग हो जाता है, ठीक है, ये 9 से भी भाग हो जाएगा, ये इसके फैक्टर है, ठीक है ना। 3 गुना 3 9 9 3 27 27 54, ठीक है ना। तो ये 3 से भी भाग हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 27 से भी भाग हो जाएगा, ये 6 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 18 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो 6 अंकों की संख्या थी वो 3 और 11 से, 54 जो है वो 11 से भाग नहीं हो रहा, वो सिर्फ 3 से भाग हो रहा है, हालांकि 2 से भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं दोनों में कॉमन निकालू, कॉमन क्या आ रहा है, 3, तो यानी जो नई संख्या बनेगी वो सिर्फ 3 से भाग होगी, ना तो वो 11 से होगी, ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो वो संख्या सिर्फ किससे भाग होगी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो 3 है उससे आंसर।